आईएसआईएस के खिलाफ महाराष्ट्र में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां 44 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। आईएसआईएस कॉन्स्पिरेसी मामले में एनआईए ने यह छापेमारी की है। पुणे में 2 जगहों पर छापेमारी की गई है, जबकि थाने रूरल में 31 और थाने सिटी में 9 ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी। इसके अलावा मीरा भाईंदर में छापेमारी की गई है। कर्नाटक में भी 1 जगह पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है, और इस पर और ज्यादा अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेन बाजू सिंह का रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले ही आपको ये जानकारी पहुंचा दे, क्योंकि ये बड़ी खबर है। आईएसआईएस मॉड्यूल का जिस तरह से खुलासा हो रहा है, कड़ियां जुड़ रही हैं और इस पर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है एनआईए। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है कई राज्यों में, तो आईएसआईएस की साजिश पर एनआईए का यह बड़ा प्रहार, जहां महाराष्ट्र में 43 ठिकानों पर एनआईए का यह छापा हुआ है और इसके सद में दूसरे राज्य भी हैं। पुणे में 2 जगह पर, थाने रूरल में 31 ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी हुई है, और कुल मिलाकर 13 लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। 13 लोग गिरफ्तारी जिन्हें हुई है, जिनकी उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। ये देखिए, थाने रूरल में 31 जगहों पर रेड, थाने सिटी में 9 जगह पर रेड, मीरा भाईंदर में 1 जगह पर रेड, कर्नाटक में भी 1 जगह पर रेड हुई है। तो किस तरह से देश को दहलाने की यह साजिश, आईएसआईएस का यह नेटवर्क और उसको ध्वस्त करता एनआईए। तो आईएसआईएस के साजिश पर एनआईए का यह बड़ा प्रहार, जहां महाराष्ट्र में 43 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी और 13 लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं एनआईए के, जिनसे पूछताछ चल रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। जितेंद्र, क्या जानकारी है, कुल कितने लोग गिरफ्त में आ चुके हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, और कुल कितने ठिकानों पर छापेमारी, और क्या और जानकारी? जितेंद्र, जितेंद्र आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आशुतोष, ये एनआईए का काफी बड़ा क्रैकडाउन है, क्योंकि इसी मामले पर जो पुणे आईसीएस केस है, इसी को लेकर के एनआईए ने इससे पहले चार्शीट दाखिल की थी। उस चार्शीट में 7 लोगों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी, और उसके बाद एनआईए के पास जो जानकारी मिली, इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक पुणे के साथ साथ जो थाने का रूरल इलाका है, इन तमाम जगहों पर आईएसआईएस जो है पूरी तरीके से फैलने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही विदेशों में बैठे हुए जो हैंडलर हैं, वो आईएसआईएस से जुड़े हुए जो युवा हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं ऑनलाइन, इस बात की जानकारी एनआईए के पास पता चली थी। उसके बाद एनआईए ने पूरी तरीके से आज एक बड़ा क्रैकडाउन सुबह से ही शुरू किया है, और आपको बता दें कि 41 जगहों पर इस वक्त एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं, जिसमें थाने का जो रूरल इलाका है, उस इलाके में सबसे ज्यादा इस वक्त एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। 31 लोकेशन यहां पर हैं, इसके साथ ही पुणे है, कर्नाटक में 1 जगह छापेमारी एनआईए की टीम कर रही है। तो एक ये बड़ा क्रैकडाउन है, और इससे पहले आपको बता दें कि जो चार्जशीट एनआईए ने इसी मामले में दाखिल की थी, उसमें ये जानकारी पता चली की थी कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो आईसीएस के इस ग्रुप के साथ, इस मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं, जिसकी जानकारी एनआईए को मिली थी। और इसी बात को लेकर के उन्होंने जब इन लोगों से पूछताछ की और तमाम जानकारियां मिली, तो उसके बाद कई लोगों के खिलाफ एनआईए को कई सबूत मिले, जिसके आधार पर आज ये छापेमारी की जा रही है, और अब तक 13 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इन तमाम जगहों से आईडी बनाने के कई ऐसे जो मॉड्यूल हैं, वो उसकी जब्ती एनआईए की तरफ से की गई है, दस्तावेज भी एनआईए ने वहां से जब्त किए हैं, और आने वाले समय में इस बात को लेकर के जानकारी एनआईए की तरफ से मिलेगी कि इसमें कई ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं वो शामिल हैं, जो कि आईसीएस मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं। नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।